इसका उल्टा जमला दरबार शाम में मौला सज्जाद ने उस जाकिर से कहा था जो यजीद के कहने पे मिंबर पे गया था और खूब यजीद की तारीफ कर रहा है। आपको मालूम है ना कि कुरान करीम की एक आयत इन दरबारी मुल्लाओं के हाथ में ऐसी लगी जो आज भी 1400 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, जो आज भी सऊदी अरब का मुफ्ती हर थोड़े दिनों के बाद दोहरा देता अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। तर्जमा क्या करते हैं ये दरबारी मुल्ला, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अपने हुक्मरानों की इताअत करो। आज भी अगर शाह फहद शाह अब्दुल्ला कोई ऐसा हुक्म दे जो इस्लाम के खिलाफ हो, कहते मान लो कुरान कह रहा है कि हुक्मरान की इताअत करो। यही जुमला कहकर हसीन इब्ने नमीर ने खाने काबा पे गोलाबारी की। अजीब बात, एक काफिर एक मुशरिक अब्रहा खाने काबा को गिराने आया, अल्लाह ने बचा लिया, अबाबील भेज दी, और दो बार ये खाने काबा मुसलमानों ने अपने हाथ से जला कर गिराया, अल्लाह का अजाब नहीं आया, मुसलमानों को छोड़ दिया उनके हाल में। पूछा गया खाने काबा जला रहे, खाने काबा गिरा रहे, कहा नहीं, खाने काबा से ज्यादा अहम है हुक्मरान का हुक्म मानना। बल्कि जब मुख्तार ने करबला के बड़े बड़े जालिमों को पकड़ा था, इब्ने ज़ियाद तो खैर पकड़ा नहीं गया, जंग में मारा गया, शिमर पकड़ा गया, उमर साद पकड़ा गया, हरमुला पकड़ा गया, खूली पकड़ा गया, और पूछा भाई इतना बड़ा गुना तुमने करबला में किया, सबका जवाब था हमने कुरान पे अमल किया। ये कौन सा कुरान जिसमें हुसैन और हुसैन की औलाद के कत्ल का हुक्म है? यही आयत दोहरा दी कि कुरान कहता है कि अपने हुक्मरान की बात मानो, हुक्मरान ने कहा तो हमने मान लिया। एक दरबारी मुल्ला यजीद के कहने से शाम की मस्जिद में जुमे के दिन नमाज से पहले मिंबर पर गया और खुतबा दे रहा कि आज अल्लाह ने हमारे हुक्मरान को फतह दी और आज हम कामयाब हुए और आज एक बागी घराना मारा गया, आका सज्जाद ने वहीं बैठे बैठे बावाज़े बुलंद उसे टोक दिया और कहा कि ऐ शख्स तूने एक इंसान को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया और तूने दुनिया खरीदने के लिए आखिरत को बेच दिया, वह बेसमझता रहे और कितना बुरा सौदा किया। सौदे में होता है ना कि आदमी देखता है फायदा हुआ कि नुकसान, 10 लाख का मकान हमने वो 10 लाख वाला मकान 15 लाख का खरीदा, लोग कहेंगे बहुत बुरा सौदा किया, घाटा ही घाटा, इसकी वैल्यू 10 लाख है, आपने 20 लाख दे दिए। जो दुनिया को खरीदता है और आखिरत को बेचता है, ये खाली यजीद के दरबारी मुल्ला नहीं, ये वो बेहिजाब औरत भी जो दुनिया खरीद रही है आखिरत को बेचकर, ये वो गाना सुनने का शौकीन नौजवान भी जो दुनिया को खरीद रहा है आखिरत को बेच रहा, ये झूठ और फ्रॉड के जरिए से कारोबार करने वाला बिजनेसमैन भी जो दुनिया को खरीद रहा है और आखिरत को बेच रहा, इसके अंदर वो नमाज कजा करने वाला इंसान भी है जो दुनिया को बेच रहा है, दुनिया खरीद रहा है, आखिरत को बेच रहा, बेसमझ तरह आका सज्जाद ने कहा कितना बुरा सौदा तूने किया।